हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे कुछ दिन पहले ही आई मूवी गोविंदा मेरा नाम की, जिसके डायरेक्टर शशांक खेतान है, जिसने बद्रीनाथ की दुल्हनिया और दिल बेचारा जैसी मूवी डायरेक्ट करी है। मैंने ये मूवी अभी देखी और मैं आज इसके बारे में ही बात करने वाला हूं। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। तो बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। तो मूवी का हीरो जो है उसकी तो लगी पड़ी है, क्योंकि उसका जो बाप है वो दो शादी करके मर चुका है और अपना हीरो दूसरी वाली पत्नी का बेटा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में दुख दर्द पीड़ा कष्ट सब है भाई। और उसका सौतेला भाई जो है उससे उसका इकलौता मकान भी छीन लेना चाहता है। ये सब दुख बेचारा सह भी लेता, बट साला उसकी बीवी भी उसको टेंशन दे रही है और तलाक भी नहीं दे रही। इन सब से तंग आकर बेचारा खुश रहने के लिए उसका एक बाहर लफड़ा भी चल रहा होता है। इसी सब के बीच पूरी स्टोरी घूम रही होती है। इसी बीच उसकी बीवी का मर्डर हो जाता है और मूवी जो पलटी मारती है भाई, नेक्स्ट लेवल मजा आता है देख के। फर्स्ट हाफ जब तक देख रहा था मैं, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा तो कम होता तो चलता, बट जब मर्डर होता है उसके बाद स्टोरी रुकती ही नहीं। ये मूवी एक थ्रिलर कॉमेडी मूवी है, जिसमें ये मूवी खुद को साबित करने में पूरा ट्राई करती है और अपना काम करने में पूरा कामयाब भी होती है। मेरे हिसाब से तुमको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी तुमको मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे चैनल ग्रो होने में थोड़ा सपोर्ट मिले। धन्यवाद।